वेलकम टू फार्मेसी ट्रिक्स। आज हम देखेंगे रोलिंग के बाद स्टेप्स, जो हम इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे थे उसमें रोलिंग के बाद का जो स्टेप्स हैं, एडिशन, डायपरडेसिस, कीमोटैक्सिस, ऑप्सोनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस। अगर हम एडिशन की बात करें तो एडिशन क्या है? एडिशन होता है कि हमारी जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, कैपिलरी के एंडोथेलियल सेल्स पर WBC का स्टिक हो जाना, इसी को हम कहते हैं एडिशन। एडिशन इज मीडिएटेड बाय द इंटीग्रेंट्स। ये जो स्टेप्स हुआ है हमारा एडिशन, एंडोथेलियल की सेल्स पर WBC का स्टिक होना, ये जो मीडिएटेड होती है रिएक्शन, इट इज़ मीडिएटेड बाय द इंटीग्रेंट्स। और ये इंटीग्रेंट्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा β1 एंड सेकेंड वन इज़ β2। आप यहाँ देख सकते हैं β1 एंड β2। एंड β1 एंड β2 को जो पिंक कलर की स्ट्रक्चर से डिनोट किया गया है, β1 एंड β2 को, और जो अगर आपके पास कोई भी लिगेंड है तो उसके लिए आपको बाइंडिंग या कॉरस्पॉन्डिंग लिगेंड चाहिए, या कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी ऐसा एजेंट चाहिए जिससे वो बाइंड कर सके। तो जैसे β1 और β2 हमारी मॉलिक्यूल है जो प्रोटीन है वो बाइंड करेंगी हमारे कॉरस्पॉन्डिंग लिगेंड से। तो इसके लिए जो आपका कॉरस्पॉन्डिंग लिगेंड है इसमें, वो मिलता है β1 के लिए VCAM1 एंड β2 के लिए मिलता है हमारा ICAM1। ये दो कॉरस्पॉन्डिंग लिगेंड हमें मिलते हैं ऑन द सरफेस ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। जबकि जो हमारे इंटीग्रिन्स होते हैं β1 और β2, दे आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ WBC। आप देख सकते हैं जो पिंक कलर की स्ट्रक्चर इसमें आपको दिख रही होगी, वो आपको WBC की सरफेस पे दिख रही है, और जबकि जो ब्लैक वाली स्ट्रक्चर है वो आपको एंडोथेलियल की सरफेस पे दिखती है। तो ये जो प्रोसेस है, जब हमारी WBC मार्जिनेशन रोलिंग के बाद में एंडोथेलियल की सेल्स एंडोथेलियल सेल्स पर स्टिक हो जाती है, इसको हम एडिशन कहते हैं। एडिशन के बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप हम कवर करते हैं वो है हमारा डायपरडेसिस। डायपरडेसिस का मतलब क्या है, इसमें हम देख लेते हैं कि आफ्टर एडिशन नाउ WBC ट्राई टू कम आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स। बस फाइनल स्टेप हमारा आने वाला है। हम यही चाहते थे कि जो हमारा वायरस है, बैक्टीरिया है, जो भी चीज़ें हैं, उसके लिए हमें चाहिए था कि जो हमारी कैपिलरीज है उससे हमारी WBC बाहर आ जाए, यही तो हम चाहते थे। तो इसके लिए क्या हुआ है कि डायपरडेसिस, अब लास्ट हमारा जो स्टेप है वो चल रहा है कि आफ्टर द एडिशन नाउ WBC ट्राई टू कम आउट ऑफ द ब्लड वेसल, दिस इज़ नोन एज डायपरडेसिस। इसी स्टेप को हम डायपरडेसिस कहते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि डायपरडेसिस लिखा हुआ है कि ये जो WBC हमारी आगे की तरफ बढ़ रही थी और अब लास्ट में ये इस मेम्ब्रेन से बाहर आने लगी है, इस एंडोथेलियल सेल से बाहर आने लगी है। तो ये जो बाहर आना है, इसी स्टेप को हम कहते हैं डायपरडेसिस। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कीमोटैक्सिस। फोर्थ पॉइंट डायपरडेसिस के बाद आता है हमारा कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस क्या होता है? कीमोटैक्सिस का मतलब ये है कि WBC कम आउट एंड गोज टुवर्ड द बैक्टीरिया। WBC क्या किया है WBC ने? देखिए आपकी WBC यहाँ पे इस कैपिलरी से बाहर आके और किसकी तरफ जा रही है, दिस वन, ये क्या है, बैक्टीरिया है, और इसकी तरफ ये पूरा आ रही है, इसको खाने के लिए आ रही है, इसको फैगोसाइट करने के लिए आ रही है। तो अगर कोई कीमोटैक्टिक एजेंट ही नहीं होगा तो हमारी WBC भी बाहर नहीं आएगी। तो कीमोटैक्सिस का मतलब होता है कि जब हमारी WBC उस बैक्टीरिया की तरफ आती है, और ये जो मूवमेंट होता है ये हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में WBC उस बैक्टीरिया की तरफ उसको फैगोसाइट करने के लिए आती रहती है, इसी को हम कीमोटैक्सिस कहते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप है हमारा ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन क्या है? देखिए ऑप्सोनाइजेशन में क्या होता है, बेसिकली पहले ये बैक्टीरिया हमारा सिंपल बैक्टीरिया, इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन, कोई भी लेयर नहीं होती है, लेकिन जो हमारी बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन जी होता है, ये इस बैक्टीरिया को मोर टेस्टी बनाने के लिए, WBC को ये टेस्ट में बहुत अच्छा लगे फैगोसाइट करने के लिए, खाने के लिए। तो अगर सपोज उसके लिए बहुत हम ऐसी चीज़ें बनाना चाहते हैं जो बहुत पैलेटेबल हो, बहुत टेस्टी हो, तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी होती है ये इस बैक्टीरिया के चारों तरफ एक लेयर बना लेती है, और इस लेयर का बनना इस बैक्टीरिया को और भी टेस्टी बना देता है WBC के लिए।
डब्ल्यू बी सी के लिए मोर अट्रैक्टिव मोर टेस्टी बना देता है अगर ये ऑप्शनाइजेशन हो जाता है तो. तो ऑप्शनाइजेशन का मतलब यही है कि बैक्टीरिया बिकम टेस्टी फॉर द डब्ल्यू बी सी. और जो ये ये जो ऑप्शनाइजेशन है ये किसकी वजह से होना पॉसिबल होता है, ऑप्सोनिन की वजह से. और ऑप्सोनिन हमारे जैसे होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन. ये आपसे कोई पूछे लेयर किसकी बनी होती है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी की भी बनी हो सकती है और एक दूसरा हमारे चीज़ है C3 भी उसकी भी बनी हो सकती है. और ऑप्शनाइजेशन के बाद में जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है हमारा फैगोसाइटोसिस. और फैगोसाइटोसिस क्या है, देखिए फाइनली सबसे पहला जो स्टेप था हमारा वो था मार्जिनेशन. डब्ल्यू बी सी किनारे पर आती है, उसके बाद वो रोल करती है जिसे हम रोलिंग कह रहे थे. थर्ड में हमने पढ़ा है एडिशन. एडिशन में वो हमारी एंडोथेलियल से चिपक जाती है, स्टिक हो जाती है. एडिशन के बाद हमने पढ़ा है डायपोडिसिस. डायपोडिसिस में वो हमारी जो कैपलरी है उससे बाहर आ जाती है. और कीमोटैक्सिस का मतलब हमने पढ़ा फिफ्थ पॉइंट में. हमने कीमोटैक्सिस के बारे में ये देखा कि जब डब्ल्यू बी सी हमारी बैक्टीरिया के पास में आने लग जाती है तो उसको हम बोलते हैं कीमोटैक्सिस. उसके बाद ऑप्शनाइजेशन हमने पढ़ा कि उस बैक्टीरिया को बहुत टेस्टी बनाने के लिए जो हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन जी होती है वो उसके चारों तरफ एक लेयर बना लेती है. और लास्ट में हम पढ़ रहे हैं फैगोसाइटोसिस. और अब क्या हुआ फाइनली कि ये जो डब्ल्यू बी सी थी ये जो डब्ल्यू बी सी थी इसने इस बैक्टीरिया को फैगोसाइट कर लिया. सेल का ईटिंग ही हमारा कहलाता है फैगोसाइटोसिस. तो आप इस स्ट्रक्चर में इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि ये जो डब्ल्यू बी सी है इसने ये पूरी बैक्टीरिया को चारों तरफ से कवर कर लिया है और इसको पूरा फैगोसाइट कर लिया है. तो फाइनली इस तरीके से हमारी इन्फ्लामेटरी कंडीशन में कोई भी बैक्टीरिया का डाइजेशन होता है या उसका फैगोसाइटोसिस होता है. पहला हमारा स्टेप था मार्जिनेशन, ये हमारी पुरानी वीडियोस में हम देख सकते हैं. फिर सेकंड रोलिंग था और बाद के स्टेप्स हम इस वीडियो से पूरा समझ सकते हैं. थैंक यू.